2024 में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति गठित की गई, जिसमें अशोक गहलोत को समिति का सदस्य बनाया गया। कमेटी का समन्वयक मुकुल वासनिक को बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी के सदस्य भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को बनाया गया है। बता दें, पार्टी की ओर से जो एक कदम उठाया गया है, ये इस बात का साफ साफ संकेत देते हैं कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलना चाहती है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो गलती दोहराई है पायलट और गहलोत को साथ नहीं लेकर चलने की, वो गलती पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराना चाहती है। पार्टी ने जो राष्ट्रीय गठबंधन समिति बनाई है, वो समिति पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग शेयर और गठबंधन के मुद्दे पर समन्वय कैसे बिठाया जाए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए बनाई गई है। लेकिन इन सब के बीच मजेदार बात यह है कि गहलोत को शामिल करने का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लिया गया है, जो इस तथ्य के बावजूद उनका समर्थन करते रहते हैं कि गांधी परिवार के सदस्यों का नजरिया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत के प्रति अच्छा नहीं है। राजस्थान में सत्ता खोने के बाद पार्टी का कोई भी नेता AICC में भी पद प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। इससे पार्टी के वरिष्ठ नेता ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आज भी पार्टी में पहले जैसे मजबूत नेता है और पार्टी में बिना भेदभाव किए चाहे नेता छोटा हो या बड़ा, पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन इस बीच ये जानना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में गहलोत को AICC में कोई पद मिलता है या नहीं, या फिर गहलोत का सफर लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी राज्य में मिलेगी या केंद्र में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि गहलोत को राजस्थान से दूर रखा जा सकता है और सचिन पायलट को प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें, पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में गहलोत जितना नुकसान पार्टी को पहुंचाना चाहते थे उतना नुकसान वो पार्टी को पहले ही पहुंचा चुके हैं, और यदि उनके रिटायर होने की इच्छा नहीं है तो उनका राजस्थान से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे में देखने लायक होगा क्या पार्टी गहलोत को राजस्थान की राजनीति से दूर रखती है या करीब, या फिर पायलट जैसा करिश्माई युवा नेता राजस्थान में कांग्रेस को उभारने में मदद करेगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।